वेलकम गाइस, वेलकम टू एक्सपेरिमेंटल इंडियन। आज जब वो मैं उधर जो इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरे गार्डन में एक बहुत ही गजब की चीज़ हो रही है, और वो है एक छोटे चिड़िया। जब वो उसने कुछ दिन पहले अंडे दिए थे, मैंने उनकी देखभाल की। बिल्ली वगैरह आती थी, उसको तंग करने की कोशिश करती थी, मैं भगा देता था। अभी उसके बच्चे निकल गए हैं और आज हम लोग उसकी वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। वैसे मैं डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता इन पक्षियों को, लेकिन थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए मैं नज़दीक जाने की कोशिश करूँगा, आपको दिखाऊँगा। नज़दीक जाया जाना काफ़ी आसान है, लेकिन वो चिड़िया अभी मतलब अपने बच्चों को बचाने के लिए उड़ नहीं रही है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कैमरा लगा हुआ है और ये चिड़िया देखिए बिल्कुल नज़दीक में है मेरे और उड़ नहीं रही है अभी ये, क्योंकि ये सेव करना चाहती है अपने बच्चों को मुझसे। लेकिन मैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन वो सोचती है कि नुकसान पहुंचा सकता है, और ये नॉर्मल सी बात है। दिखाते हैं अभी, ये देखिए ये चिड़िया है, और इसके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, बिल्कुल आप देख सकते होंगे। ये देखिए सडनली मेरे ऊपर भी जो वहाँ बैठा है, ये बच्चा उड़ गया है अभी। ये देखिए ये बच्चा है, बिल्कुल बहुत ही प्यारा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, देखिए आप एक बार, बहुत ही प्यारा बच्चा भाई। मैं पेड़ों के बीच आया हुआ था तो मेरे ऊपर भी जो वो आकर के बैठ गया था ये। वाओ कितना क्यूट बच्चा है, आई लाइक दिस। और इसके साथ ही जो वो थोड़ा सा ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक स्पॉट्स है, ये वही है। ओ माय गॉड, मैंने मेरे घर में चार छोटे बच्चों को बड़ा करके आज उड़ने लायक बनते हुए देखा है, और मुझे जो खुशी है आप मान नहीं सकते हो, बहुत ही गजब का है ये एहसास। बहुत ही प्यारा है ये ऐसा। ये मेरा हाथ उस तरफ जा रहा है तो डर रहा है ये बहुत ही, लेकिन मैं इसको टच नहीं करता हूँ और मैं यहाँ से निकल लेता हूँ ताकि मैं इनको बिल्कुल भी तंग ना करूँ। ओके, ये है मेरा बहुत बड़ा सा एक पेड़ मेरे गार्डन का, और इसके ऊपर अभी आसानी से आराम से रह सकेंगे ये। और इस छोटे से पेड़ पे जो इन्होंने जन्म लिया है और बड़े भी हो गए हैं, आई लाइक दिस। तो ये वाली वीडियो जब वो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसे ही पंगेबाज वाली वीडियो हम लोग और देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी तो जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ और आती रहे।